हेलो फिजियो डॉक्टर्स, आप सबको अपने चैनल पे स्वागत है। और नीट यूजी 2023 के लिए राउंड वन के लिए या भी जो है एमसीसी के वेबसाइट से में भी अगर आप देखेंगे तो राउंड वन का रिजल्ट अब सीट अलॉटमेंट भी हो गया। और दूसरी बात मैं यहां पर बता रहा हूं कि एक ऐसे स्टेट जिसने सीट अलॉटमेंट जो भी राउंड वन में सीट अलॉटमेंट किया गया है कैंडिडेट्स का, वो सीट का अलॉटमेंट का रिजल्ट आउट कर दी गई है। और साथ ही साथ यहां इस राज्य में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकंड राउंड के लिए फिर से कब से रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और सीट अलॉटमेंट अगर हो गया है अच्छे से मिल गया, या आपके मनपसंद सीट अलॉटमेंट में नहीं मिल पाया, तो आगे हम क्या कर पाएंगे, इन सभी छोटी छोटी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो छोटी सी वीडियो के साथ आप बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर इन्फॉर्मेशन छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2023 वेस्ट बंगाल का। जी हाँ, वेस्ट बंगाल का अलॉटमेंट लेटर जो है आपको ऑलरेडी निकल चुका है, जहां आप अपना चेकआउट वेबसाइट पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, wbmcc.nic.in पे। वहां पर सीट का अलॉटमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा वेस्ट बंगाल में फर्स्ट राउंड के लिए। वहां पर आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा, डाउनलोड कीजिए और उसके बाद रेफरेंस में आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो मैं आपको यहां पर बता दूं। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो आपको मिलने वाला है सीट अलॉटमेंट के बाद, आपको जो पेपर वहां सबमिट करने वाला है वो आपको इसमें बता दिया जाता है। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करो यार चैनल। तो सबसे पहले बात है, यहां पर आपको लगेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ देयर डिजाइन कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पास आउट के 11-12 के हैं, मार्कशीट है, प्लस है आपका रेसिडेंशियल जो है आप बंगाल से अगर है तो वहां का रेसिडेंशियल लगेगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप आते हैं जनरल में तो नहीं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आते हैं, SC ST में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। साथ ही साथ 4 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको लगेगी, वेरीफाई स्लिप होगा और अलॉटमेंट डेटा जो वेबसाइट से आप डाउनलोड कीजिएगा वो चीज आपको लेकर जाना है। क्योंकि मैं आपको ये बता दिया कि अलॉटमेंट लेटर कहां से आप डाउनलोड करेंगे, तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑलरेडी देख चुके हैं, पीडीएफ फाइल है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यहां बता दूं कि अभी जो सेकंड राउंड के लिए जो है वो लिंक एक्टिव होगा विंडोज राउंड 2 के लिए वेस्ट बंगाल के लिए, वो आपका 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक शाम 4 बजे तक होगा, जहां आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पेमेंट विंडोज जो है 15 अगस्त के लिए, यानी फी जो भी का जो प्रोसेस होगा वो 15 अगस्त तक आप जमा कर सकते हैं, यानी 15 अगस्त को आपको फी जमा कर देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 16 से लेकर 17 अगस्त शाम 4 बजे तक होगा। तो ये डिटेल है आपका। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर छोटी छोटी बातों का मिलता रहता है। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।